किसी का दिमाग चल चुका है, साइको टाइप की हरकतें कर रहा है। और ये साइको से बड़ी हरकत क्या होगी कि बताइए, एक सीएम की पावर्स को छीनने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से इससे गिरा हुआ कार्य कोई नहीं होता। वो इतना करारा जवाब दिया है कि ये अपनी हार से बौखला चुके हैं। इसके वजह एक बात बताओ, जब दिल्ली सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, जनता के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, तो एलजी को ये शक्तियाँ देने की क्या जरूरत पड़ गई है केंद्र सरकार को? उनको कमजोर क्यों कर रही है? वो इसलिए कमजोर कर रही है क्योंकि वो बौखला चुकी है, एक हार चुकी है। आपने देखा होगा आम जनता है हम सारी, कोई इसमें आपको कोई उच्च वर्ग का नहीं मिलेगा। हम सब आम जनता है और महिलाएं अपना घर बार छोड़ करके इसीलिए आए हैं आप सबको ये मैसेज देने के लिए, बताने के लिए कि जब 2018 में हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए गई थी कि इसमें एलजी साहब के फैसले क्यों मान्य होंगे, जब दिल्ली की जनता ने बहुमत से चुना है जिस सरकार को। केजरीवाल जी की जो भी डिसीजंस है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, आज लोग विदेशों में भी उसको फॉलो करने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन का स्तर जो उन्होंने दिल्ली में ऊंचा किया है, आज विदेश से भी लोग कहते हैं कि आखिर क्या ऐसी खूबी है जो दिल्ली में इतना अच्छा एजुकेशन हो गया है। सरकार की जो मुख्यमंत्री है उनकी जो शक्तियों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे आपको लगता है? जैसा कि आप लोगों को पता कि दिल्ली के अंदर अभी उपचुनाव हुए हैं, तो उपचुनाव में इनकी एक भी सीट नहीं आई है। जनता ने इनको इतना करारा जवाब दिया है कि ये अपनी हार से बौखला चुके हैं। इसके वजह एक बात बताओ, जब दिल्ली सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, जनता के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, तो एलजी को ये शक्तियाँ देने की क्या जरूरत पड़ गई है केंद्र सरकार को? उनको कमजोर क्यों कर रही है? वो इसलिए कमजोर कर रही है क्योंकि वो बौखला चुकी है, एक हार चुकी है। तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आज जो जनता एकत्रित हुई है विरोध प्रदर्शन के लिए इसीलिए हुआ है कि उनको मतलब किसी तरीके से कमजोर ना किया जाए कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। बिल्कुल, देखो तानाशाही बरसा रही है। आप देखो एक आम आदमी भी आज के समय में इन्होंने जो हार का तमाचा दिया है, एक आम आदमी अपने घर का चूल्हा भी नहीं जला पा रहा। 820 रुपए का इन्होंने सिलेंडर कर दिया है, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए। एक आम जनता, एक आम नागरिक कहाँ जाएगा जो एक वक्त का अपने घर में चूल्हा भी नहीं जला पा रहा। कोई मिली भगत नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी ये बेफामगा के आरोप लगा रही है। और मैं भी केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगी इस तरीके से हमारे तानाशाही हमारे साथ ना करे। जनता अपना पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल को दे चुकी है, और हम जो आज आक्रोश प्रदर्शन में यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये साबित कर देता है कि दिल्ली की जनता हर हाल में अरविंद केजरीवाल के साथ है। पेट्रोल के तो 820 रुपए का, आप बताइए जो छोटे से पैसे से सिलेंडर आता था जनता को, तो क्या चाहिए होता है जनता को? एक एजुकेशन बच्चे के लिए चाहिए होती है कि एक गरीब आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ाकर कुछ बना सके। अगर यही सीजे गैस पेट्रोल यही सब बढ़ाते रहेंगे तो जनता को तो मारने वाला विषय। जनता अब इतनी पागल नहीं रही है, उसका तीसरा नेत्र खुल चुका है, उसको मालूम है कि केजरीवाल से अच्छा कार्य हमारे लिए कोई कर ही नहीं सकता। भाजपा बैनर लगाती है, भाजपा सीडी में करोड़ों रुपए के घोटाले, कुछ नहीं है, बकवास कर रही है। मैं कह रही हूँ उसका दिमाग चल चुका है, मैं कह रही हूँ उसका दिमाग चल चुका है, मोदी का दिमाग चल चुका है, साइको टाइप की हरकतें कर रहा है। और ये साइको से बड़ी हरकत क्या होगी कि बताइए, एक सीएम की पावर्स को छीनने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से इससे गिरा हुआ कार्य कोई नहीं होता। कांग्रेस तो कह रही है कि ये एक तरीके से नाटक हो रहा है, 50 दिन पहले पता था तो अब क्यों आ रहे हैं? अभी सुबह प्रदर्शन था वहाँ इनका, यहाँ देखिए कौन क्या कर रहा है। सबके अपने अपने इस जनता के अंदर राइट्स है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, सबको राइट्स मिले हुए हैं। हर इंसान को हमारे भारत वर्ष में बोलने का राइट है, अधिकार है। जो भी बोल रहे हैं सबको अपने अपने मन की बातें सब शेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की तादाद में करोड़ों लाखों की जनता आप देख रहे हैं इस समय, अभी लाखों है, शाम होते होते करोड़ों शायद अरबों भी हो जाए क्योंकि अभी तो सब लोग आ रहे हैं। लेकिन कोई भी ना, अब मोदी का भाजपा का अब ना सिर्फ भागने का ही टाइम है, अब वो भागेगी बस, इसलिए वो विनाश, एक और शब्द में एक सेकंड रुकिए प्लीज, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो वो ऐसे ही गलत हरकत। आपने देखा होगा आम जनता है हम सारी, कोई इसमें आपको कोई उच्च वर्ग का नहीं मिलेगा। हम सब आम जनता है और महिलाएं अपना घर बार छोड़ करके इसीलिए आए हैं आप सबको ये मैसेज देने के लिए, बताने के लिए कि जब 2018 में हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए गई थी
कि इसमें एलजी साहब के फैसले क्यों मान्य होंगे, जब दिल्ली की जनता ने बहुमत से चुना है जिस सरकार को, वही दिल्ली के हित के लिए काम करे ना। जब हम जीत गए थे सुप्रीम कोर्ट से, तो अब ये संशोधन का कानून कैसे आया, बिल कहाँ से आया, पहले तो हमें ये जवाब दें, ऐसा बिल आया क्यों? और अगर ये बिल आया है तो उसका रीज़न मैं बता दूँ आपको कि जब हम 4 सीट यहाँ पर बहुमत से जीत गए हैं दिल्ली में उपचुनाव में, और हमने गुजरात की भी सीटें जीती हैं, आपने देखा होगा पंचायत इलेक्शन भी हमने जीता है, तो जब ये लोकप्रिय सरकार हो गई है तो बीजेपी को लगा कि अब आगे आने वाले चुनाव में भी ये लोकप्रियता कहीं इनको बहुमत की तरफ ना ले जाए, इसको ही ख़त्म करने के लिए इन्होंने यहाँ पर संशोधन बिल लाया। और ये इनका इतिहास है, जब भी ये कोई चीज़ को ज़बरदस्ती तानाशाही से लागू करना चाहते हैं तो संशोधन कानून लाते हैं, जैसे सीए के केस में हुआ था, ठीक है, संशोधन कानून ले आते हैं क्योंकि बहुमत इनके पास है, ये जो चाहे बिल पास करवा लेते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए बिल पास करवाने के बाद जब ये फाइल एलजी के पास जाती है तो वो महीनों के लिए लटक जाती है, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक और सीसीटीवी कैमरे में हुआ था, हमेशा के लिए लटका देते हैं और जनता को ये मैसेज देते हैं कि केजरीवाल सरकार वादे करती है अपने पूरे नहीं करती है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि हम जो काम जनता के लिए हित में करना चाह रहे हैं वो आगे चल के लटक जाए, इसलिए हम नहीं चाहते, हम फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर मुकदमा लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे और जनता के बीच में आएंगे, फिर जनता का काम करेंगे। आप देख लीजिए, आप मुझे एक बात बताइए, जब चुनाव के द्वारा पब्लिक के द्वारा ये चुना गया, जनता के द्वारा केजरीवाल जी को दिल्ली का सीएम चुना गया है और वो अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उन्होंने आज दिल्ली की काया पलट कर दी है, एजुकेशन, पानी, बिजली, बस यात्रा, ओवर ब्रिज, किस चीज़ में कमी रखी उन्होंने, उन्होंने धरती से काम किया है। केजरीवाल जी ने सिर्फ अमीर आदमियों के लिए नहीं, उन्होंने कॉमन पर्सन, एक आम आदमी के लिए उन्होंने काम किया है। सबसे पहली ज़रूरत इंसान की होती है बिजली पानी, जो उन्होंने फ्री दिया है, उन्होंने गली गली में पानी पाइपलाइन बिछाई है, बिजली का यूनिट, एक गरीब आदमी भी अपने घर में पंखा चला सकता है, ये हैसियत उन्होंने बना दी है। फिर उनके अंदर क्या कमी ऐसी रह गई जो ये केंद्र सरकार ने ये नियम निकाला कि उनको कोई भी काम करने से पहले एलजी से कम पूर्ण परमिशन लेना पड़ेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी में कोई कमी है, उनमें निर्णायक क्षमता नहीं है या वो कोई डिसीजन ढंग से नहीं ले सकते, तो इस बात को माना जा सकता था कि चलिए उनके ऊपर भी किसी को बिठाया जाए कि उनके डिसीजन में कमी है, किंतु ऐसा तो कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की जो भी डिसीजंस है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, आज लोग विदेशों में भी उसको फॉलो करने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन का स्तर जो उन्होंने दिल्ली में ऊंचा किया है, आज विदेश से भी लोग कहते हैं कि आखिर क्या ऐसी खूबी है जो दिल्ली में इतना अच्छा एजुकेशन हो गया है। कभी पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही जाती थी दिल्ली को, आपकी तरफ से ही, आम आदमी पार्टी की तरफ से ही, लेकिन आज जो है इस तरह से कानून केंद्र सरकार लेकर आ रही है, सत्ता में आम आदमी पार्टी है, सत्ता में आम आदमी की पार्टी के रहते हुए आप सोचिए कि केंद्र सरकार उसको अपने अंदर में रखने के लिए एलजी का प्रस्ताव रखी है। अब आप बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने पूर्ण राज्य का भी नहीं दिया है हमारे दिल्ली को, आप बताइए, दिल्ली सेंट्रल राजधानी है भारतवर्ष की, लेकिन वहाँ पे क्या है, यहाँ की दिल्ली पुलिस भी केजरीवाल के अंदर में, सीएम के अंदर में नहीं आती है, इससे बड़ा और क्या होगा बताइए। प्रशासन मुख्यमंत्री के अंदर में नहीं आती है, ये बताइए तो दिल्ली में प्रशासन का क्या वैल्यू है कि मुख्यमंत्री कहीं भी अपने रूप में उसको यूज नहीं कर सकते। अब तो डबल चुनौतियां बढ़ जाएंगी, एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा की जो मांग की जा रही थी, और अब इस तरह से जो है मुख्यमंत्री की शक्तियां छीनने का, मुख्यमंत्री की शक्तियां छीनने की सिर्फ कोशिश की जा रही है, इसमें सफलता मिलना कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जनता नहीं स्वीकारेगी। जब जनता ही नहीं स्वीकारेगी इस चीज को तो क्या करेगा, सरकार तो जनता से चलती है ना, सरकार जनता से चलती है, जनता सरकार से नहीं चलती है। आज जो मोदी जी का हाल है, जो उन्होंने भारत को अधीन कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर के अधीन कर दिया है, भारत की अपनी धरोहर को वो बेच रहे हैं, इससे बुरा और क्या करेंगे वो। तो क्या पब्लिक इतनी नादान है कि वो नहीं जानती है कि उसे क्या करना है, वो क्यों साथ देगी? तानाशाही की तरह काम किया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र सरकार तानाशाही का काम कर रही है, पहले जो मुगल लोग करते थे वो कर रही है, वो यहाँ किसी को अपना अपना अस्तित्व बनाने का मौका नहीं दे रही है, उसे जलन है आम आदमी पार्टी से, उसे जलन है केजरीवाल जी से।
वो जानती है कि केजरीवाल जी ही उसके टक्कर में खड़े हो सकते हैं और वही उनका पतन कर सकते हैं। और दिल्ली वाले खुश है केजरीवाल जी से, बहुत खुश है। नहीं आप बोलिए बस, खुश है केजरीवाल। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आज बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, जब सारे काम 70 सालों की सरकार में क्यों ऐसे काम नहीं हुए जो आज जनता उन्हें पसंद कर रही है केजरीवाल जी को? ये सारे काम क्यों नहीं करे उसने पहले से? आज उसके दर्द उठ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों आगे बढ़ गया? अरे काम ऐसे करके तो दिखाते जनता के लिए, और अच्छे कामों में रोड़े अटकाते हैं, हर काम को बंद करवा देते हैं, ऐसे क्यों करते हैं वो? भाजपा तो होर्डिंग लगाती है कि करोड़ों रुपए के घोटाले कर रहे हैं। घोटाले तो इन्होंने किए हैं, वो खुद कर रहे हैं, घोटाले इन्होंने किए हैं, घोटाले तो बीजेपी वालों ने किए हैं। मैंने आपको चोर कहा, एमसीडी में कितना घोटाला हुआ आपको कहा? मेरे पास कोई ऐसा है प्रूफ कि मैं आपको चोर कर रही हूँ तो आपको चोर बनाने का प्रूफ है मेरे पास? तो मोदी जी के पास है प्रूफ कि वो केजरीवाल पे ये ब्लेम लगा रही है? हमारे पास तो एमसीडी का प्रूफ है, हमें तो घोटाले का प्रूफ है। चोर लुटेरों की सरकार है ये, चोर लुटेरे बैठ गए हैं गद्दी पर।